बिहार जहारवीर बाबा के जगराते से लौट रहे तीन युवकों पर स्टेशन रोड पर कुछ लोगों ने हमला करके उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋतिक अभिषेक रत्नाकर और साहिल निवासी बूढ़े का चौराहा वाल्मीकि बस्ती देर रात मोटरसाइकिल से जहारवीर बाबा के जगराते से लौट रहे थे। रेलवे स्टेशन के सामने ऋतिक ने किसी काम से मोटरसाइकिल को रोका तो उसके टेम्पो चालक से कहा सुनी हो गई। बात बड़ी तो टेम्पो चालक ने चाकू से ऋतिक पर और अन्य साथियों पर हमला कर दिया, जिसमें ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़े की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस घायलों को कोतवाली लेकर आई और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया, जबकि दो और युवकों को प्राथमिक उपचार देकर वापस भेज दिया गया। सूचना पर घायल के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। परिजनों का कहना है कि मेरा नाम भूपेन्द्र है, ये मेरा छोटा भाई है सर। ये रात 1:30-2 बजे के बीच में ये गांगन के चौराहे से जहारवीर बाबा की पूजा में से आ रहे थे, तो स्टेशन पर इसने जब पेशाब लगाए सर, पेशाब करने के लिए उतरा साहब, और उतरने के बाद एक ऑटो वाला आकर के रुका। वो थोड़ी अभद्र भाषा में बोलने लगा कि आप कौन हो, तू कौन है अभी तू, और कौन मतलब कौन है तू, और पेशाब यहाँ क्यों कर दिया। इसके आकर के उसने थप्पड़ मारा, उस लड़के ने इसके आकर थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने के बाद में माँ बहन की गालियाँ बकने लगा। बाद में इसने क्या, भाई मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं भी मुरादाबाद का बूढ़े का चौराहे का वाल्मीकि समाज का बच्चा हूँ। तो वो कहने लगा, अरे भाई तुम उन्हें आभा मतलब बहुत ज़्यादा गलत बोलते हुए, समाज पूरे समाज को बोलते हुए अच्छा भंगी हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। और बोले कि अरे भंगी हो तुम, चैन अंगूठी हमारे सामने पहनोगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया सर उसने। और बाद में एक धारदार चाकू निकाल करके एकदम उनमें जो है उसने और लोगों को बुलाया, और ऑटो वाले जो पता कहाँ से ऑटो वाले थे या कौन थे, उसके संग साथी थे ये नहीं मालूम हमें, लेकिन इसके ऊपर बहुत धारदार हथियारों से बहुत ज़्यादा वार किए, और बिल्कुल मारने के हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए सर। सर रात के 1:30-2 बजे के बीच की बात, लगभग कुछ भी 20-22 लोग थे, ये अकेले नहीं, ये तीन लोग थे और इन तीनों को ही मारा, लेकिन उनके लोग थोड़ी चोट कम है, लेकिन इसके कुछ ज़्यादा चोट, एक के हिप्स पर पीछे भी एक साइड में चाकू मारा गया, और दूसरे एक लड़के को मतलब लठिया मारी है या डंडा मारा ये नहीं मालूम क्या मारा। हमलावरों का सर मालूम नहीं है कुछ, लेकिन हमारे पास ऑटो का नंबर है, जिस ऑटो से वो लोग उतरे थे, जो लड़का जिससे झगड़ा हुआ है, जो लड़का था मैन, उसका ऑटो का नंबर है सर। रिपोर्ट सर हमने रात लगभग 3:00 बजे के टाइम पर कोतवाली गए, कोतवाली परिसर में जाने के बाद में वहाँ से हमें एक चिट्ठी मिली, तो कोतवाली में पुलिस वालों के सामने इसका ट्रीटमेंट शुरू सिविल हॉस्पिटल में किया गया।